दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल पे। तो आज की बात करेंगे कि ऋण के बारे में, ठीक है। और मैं भी चाहता हूँ कि मेरे लैपटॉप में या फिर किसी वजह से, दिक्कत की वजह से दो तीन वीडियो में आवाज़ नहीं आई थी, और उसी वजह से वो वीडियो में एकदम क्लियरली आवाज़ बिल्कुल नहीं आई थी, ठीक है। तो यहाँ पे अभी विन का देख लेते हैं। ये वन एक घंटे का चार्ट है और अभी चार घंटे का कर देते हैं इसको, ठीक है। तो चार घंटे के चार्ट के हिसाब से अगर विन को देखते हैं तो एक इसका सपोर्ट लाइन बनता है ये वाला, ठीक है। ये इस जगह ये जो ट्रेंड लाइन है ये वाली येलो कलर की, अभी मैं इसको थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ रेड। जो रेड कलर की ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर डिपेंड करता है अभी, ठीक है, पूरा मार्केट। और एक मिनट, जी ओके। तो देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पे पूरा सपोर्ट जोन है इसका चार घंटे के हिसाब से, और मार्केट पूरा गिरते गिरते हुए अब जाके गिरते हुए एक ऐसा ट्रायंगल बना बना के गिरते हुए नीचे आ रहा है, ठीक है। तो अभी उम्मीद करते हैं कि अभी यहाँ से मार्केट जो है इस जगह से ऊपर जाने की कोशिश भी कर रहा है, जैसे कि आप चेक कर सकते हैं। मैं इसको वापस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर देता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा इसको बड़ा कर दिया। यहाँ से गिरा मार्केट, गिरते हुए नीचे आया, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में वापस नीचे आया, वापस ऊपर गया, और वापस थोड़ा डाउन होके इसका सपोर्ट लेके एकदम अचानक उछाल आया समथिंग रात को 5 बजे के आसपास, 5:30 बजे के आसपास, और 0.0015 के आसपास गया, ठीक है। उसके बाद मार्केट वापस गिरा, नीचे आया वापस ऊपर गया। तो इस जो ऊपर वाली सपोर्ट लाइन को बहुत ही इसने क्रॉस करने की बहुत ही कोशिश की है, जैसे कि आप चेक कर सकते हैं इस ट्रायंगल लाइन को। और इसको ये जो सिस्टम है, मतलब एक कैंडल है, ऐसी कैंडल अभी तक बनी नहीं जो इसको क्रॉस कर सके, और इसी लाइन के पास में सपोर्ट लेते हुए गिरते हुए सपोर्ट लेते हुए वापस गिरा, वापस नीचे वाली लाइन को येलो कलर की जो लाइन है इसको सपोर्ट लेके वापस ऊपर गया, वापस नीचे आया। तो ये बीच वाली रेंज में घूम रहा है, ठीक है। तो अभी देखने वाली बात है कि ये जो लाइन है येलो रेड कलर की और नीचे वाली रेड कलर की, ठीक है, ये दोनों के बीच में मार्केट घूम रहा है। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो ये आप देखिए। और इसके अलावा अब दूसरा जो सपोर्ट लाइन है ये बना है येलो कलर का, मैं इसको वापस कलर चेंज कर देता हूँ, ये मैंने कर दिया इसको ब्लू, ओके। ये आप चेक कर सकते हैं पूरा सपोर्ट लाइन वापस ये बना है, और उसके बाद में एक और बन रहा है जो आप चेक कर सकते हैं। ये भी अगर यहाँ से देखें तो ये भी इसका सपोर्ट लाइन बन रहा है, ठीक है। तो ये भी देखने वाली बात है कि ये इसको यहाँ से टच किया, ऊपर गया, वापस ऊपर गया, वापस नीचे आया, इसको क्रॉस नहीं किया, वापस ऊपर गया, और बार बार इसको क्रॉस करने की सपोर्ट लेके ऊपर जाने की मार्केट कोशिश भी कर रहा है परंतु जा नहीं पा रहा है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। अगर उम्मीद करते हैं अगर इसको क्रॉस करता है तो नेक्स्ट जो टारगेट होगा यही होगा 0.0015 के आसपास, और अगर इसको क्रॉस करता है तो वापस इसका टारगेट हो सकता है 0.00, नीचे डाउन ट्रेड की अगर बात कर रहा हूँ वापस टारगेट हो सकता है ये वाला 0.0010। उसके बाद में अगर इस लाइन को भी अगर वापस क्रॉस करता है तो नेक्स्ट टारगेट होगा ये वाला, ठीक है, 0.009 के आसपास। उसके बाद में वापस टारगेट है 0.0081 के आसपास, परंतु मार्केट काफ़ी हद तक गिर चुका है। तो अभी उम्मीद करते हैं कि यहाँ से ये ऊपर ही जाएगा, ठीक है, उम्मीद यही है। और अगर इसको क्रॉस करेगा डाउन ट्रेड में तो वापस टारगेट ये होगा, फर्स्ट सेकंड ये होगा, थर्ड ये होगा, तो इसी तरीके से टारगेट लेते रहते वापस इस जगह भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ से उम्मीद करेंगे क्रॉस करेगा नहीं, और मैं तो यही चाहता हूँ कि ऊपर जाए, क्योंकि सभी लोग विन में फंसे हुए हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।